अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी एंड अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बहुत बड़ी बड़ी स्टडीज में ये पाया कि जिन लोगों की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो रही है उनके खान पान में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं और इसी खान पान की वजह से वो हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक के खतरे में है। तो ये खान पान क्या है? जैसे ज़्यादा अमाउंट में फ्री शुगर खाना, और सिर्फ फ्री शुगर ही नहीं, अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर जिसको आप डाइट या फिर कैलरी फ्री के फॉर्म में मार्केट से खरीदते हो उसको खाने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। रिफाइंड ग्रेन खाना, बहुत बारीक पिसा हुआ ग्रेन खाना, हाई अमाउंट में सैचुरेटेड ट्रांसफैट खाना, ज़्यादा नमक खाना, और यहाँ तक कि बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट या लो कार्बोहाइड्रेट डाइट जिसको कई लोग कहते हैं कि आप हाई प्रोटीन और हाई फैट डाइट खाओ, उससे भी हार्ट डिसीज का खतरा बढ़ता है रेड मीट खाने से। और अगर आप प्रोसेस रेड मीट खाते हो तो वो खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या रिकमेंडेशन है एक हेल्दी डाइट के लिए, क्या आपको खाना चाहिए, क्या आपको अवॉइड करना चाहिए। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रिचा। इस वीडियो में हम डाइट से रिलेटेड ACC AHA रिकमेंडेशन की बातें करेंगे, मतलब कि ये जो भी स्टडीज मैं इसमें आपको बताऊंगी, जो भी जानकारी मैं आपको इसमें दूंगी, ये मेडिकल लिटरेचर में अवेलेबल सबसे ज़्यादा प्रूवन, सबसे बड़े स्केल में की गई स्टडीज और सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। दो बड़ी स्टडीज प्रेडिमेंट और एडवेंटिस्ट में दो बड़े ग्रुप को कंपेयर किया गया, एक वो लोग जो वेज खाना खाते थे और एक जो नॉनवेज खाना खाते थे, और रिजल्ट में ये देखा गया कि नॉनवेज डाइट खाने वाले लोगों में मृत्यु की दर या डेथ रेट वेज खाना खाने वालों के कंपेयर में 60% से ज़्यादा है। और ये जो भी स्टडीज हैं ये बहुत लार्ज स्केल स्टडी हैं और ये US में हुई है जहाँ की डाइट डोमिनेंटली नॉनवेज है। मेडिकल साइंस के हिसाब से बेस्ट डाइट वो है जिसमें आप इंक्लूड करते हो बहुत सारे फल, सब्जियां, होल ग्रेन, दालें, नट्स। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हो, चाहे वो फल हो, दालें हो या अनाज हो, उन्हें आपको होल ग्रेन के फॉर्म में खाना है। आपको उन्हें ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, फलों का जूस नहीं बनाना है। जैसे ही आप अनाज को बहुत पतला पीस देते हो या फलों का जूस बना देते हो तो उसका फाइबर ख़त्म हो जाता है, और फाइबर की वजह से ही आपको हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं डाइट के, क्योंकि ये जो फाइबर होते हैं ये आपकी बॉडी में बुरा कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं, आपको BP के खतरे से कम करते हैं, डायबिटीज़ का कंट्रोल अच्छा करते हैं, आपका वेट लॉस कराते हैं और आपको बहुत सारी खतरनाक हार्ट और ब्रेन की बीमारियाँ जैसे स्ट्रोक से बचा के रखते हैं। वेज डाइट को प्रेफरेंस दी गई है मेडिकल लिटरेचर में, लेकिन अगर आप नॉनवेज खाना प्रेफर करते हो तो आपको लीन प्रोटीन खाना है, जैसे फिश। फिश सबसे प्रेफरेबल नॉनवेज फूड है। इसके अलावा आप पोल्ट्री या चिकन खा सकते हो, लेकिन रेड मीट को आप पूरी तरीके से अवॉइड करें। यह आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियों का खतरा बढ़ाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल खराब करता है, आपको हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ाता है, और इससे बड़ी आंत या कोलन के कैंसर होने का भी रिस्क होता है। अब हम फैट की बात करते हैं। आपको अपनी डाइट में फैट इंक्लूड करना मस्ट है। आप जितनी भी कैलरी रोज खाते हो उस कैलरी का 20-35% आपको फैट से मिलना ही चाहिए, जो लगभग 40-70 ग्राम फैट आता है। तो अगर आप अपनी डाइट में 40 ग्राम से कम फैट इंक्लूड करते हो तो आपके शरीर में एसेंशियल फैटी एसिड्स की कमी हो जाएगी, आपको फैट सोल्युबल विटामिन मिलने बंद हो जाएंगे, और इसकी वजह से आपके शरीर में जो हाई डिजायरेबल HDL कोलेस्ट्रॉल होता है उसका लेवल कम होगा और आपको हार्ट अटैक का खतरा बना रहेगा। और अगर आप एक्सेसिव फैट कंजप्शन करते हो, मतलब 70 ग्राम से ज्यादा खाते हो, तो इस एक्सेसिव फैट की वजह से फिर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा और आप हार्ट डिसीज के खतरे में आ जाओगे। तो फैट का कंजप्शन मस्ट है, लेकिन हमें उसे रिक्वायर्ड लिमिट के अंदर ही करना है। फैट को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो फैट को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूँ। ट्रांस फैट आपको बिल्कुल खाने की ज़रूरत नहीं है, इसका हमारी बॉडी में कोई भी गुड रोल नहीं है, ये बिल्कुल आपको सिर्फ हार्म करेगा। ये आपको पैकेज खानों में मिल जाएगा, आपको ये मार्केट से बेकरी प्रोडक्ट या फिर कोई डीप फ्राई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके पीछे आप जरूर चेक करो कि इसमें ट्रांस फैट है या नहीं है, और इसको आपको कंप्लीटली अपनी डाइट में अवॉइड करना है।
दूसरे आते हैं सैचुरेटेड फैट। मेडिकल स्टडीज बहुत कंसिस्टेंटली ये बात प्रूव करती है कि अगर आप ज्यादा अमाउंट में सैचुरेटेड फैट खाते हो तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने और हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ता है। और उन्होंने ये लिमिट किया है कि आप जो भी खाना खाते हो उसमें से, उस कैलोरी में से आपको सिर्फ 3-5% ऑफ कैलोरी सैचुरेटेड फैट से मिलनी चाहिए। तो रफली एक एडल्ट के लिए जो 2000 किलो कैलोरी खाता है ये 13 ग्राम आता है, मतलब आप 13 ग्राम सैचुरेटेड फैट खा सकते हो। अभी सैचुरेटेड फैट है क्या जिसको हम 13 ग्राम खाने की बात कर रहे हैं, लगभग एक चम्मच। सैचुरेटेड फैट में वो सारे फैट आते हैं जो रूम टेम्परेचर में जमे हुए होते हैं। और इनमें मैक्सिमम एनिमल प्रोडक्ट आते हैं, जैसे आप जो भी मीट खाते हो उसमें आपको सैचुरेटेड फैट मिलता है, जो कि हमें मिल्क के साथ में मलाई होती है वो सैचुरेटेड फैट है, बटर एक सैचुरेटेड फैट है, चीज़ एक सैचुरेटेड फैट है, इसके अलावा कुछ ट्रॉपिकल ऑयल जैसे कोकोनट ऑयल एंड पाम ऑयल में सैचुरेटेड फैट होता है। जब भी किसी स्टडी में मैं बटर क्रीम या फिर कोकोनट ऑयल का नाम लेती हूँ तो आप सब नाराज हो जाते हैं, सेंटिमेंटल हो जाते हैं कि मैंने किसी के अगेंस्ट बात करी। मैं ये किसी के अगेंस्ट बात नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ जो भी मैं बोल रही हूँ ये प्रूवन मेडिकल लिटरेचर है कि अगर आप ज़्यादा सैचुरेटेड फैट खाओगे तो आपको बीमारियों का खतरा बढ़ेगा और इसकी एक लिमिट फिक्स है। जो घी है और जो हमारा कोकोनट ऑयल है उसमें बहुत अच्छी बात ये है कि उसमें जो सैचुरेटेड फैट होता है उसमें मीडियम चेन फैटी एसिड होते हैं। बहुत सिंपल आप ये समझो कि उसमें जो फैट है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ा बेनिफिशियल भी है, और वो अगर आप हाई एक्सरसाइज करते हो तो वो तुरंत पच के आपको एनर्जी दे देता है। लेकिन फिर भी जो भी रिकमेंडेशन है वो आपको लिमिट के अंदर ही खानी है। अगर आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप कोई हैवी वर्कआउट नहीं करते, तो कोकोनट ऑयल या घी का एक्सेसिव कंजप्शन आपको किसी तरीके से हेल्प नहीं करेगा इसको खाने से। आपको प्रूवन मेडिकल स्टडीज तो यही कहती हैं कि आपको हार्ट डिसीज का खतरा बढ़ेगा। आप इन्हें खाइए क्योंकि इनके अंदर मिलने वाले बहुत सारे फैटी एसिड से हमारी बॉडी में बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं, हमारे ब्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। बट प्लीज लिमिट में खाइए, एक्सेसिव कंजप्शन नहीं करना है। 1-1.5 चम्मच घी हम सबके लिए सफिशियंट है, इससे ज्यादा खाने की हमें जरूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं मोनो अनसैचुरेटेड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये हमारी हार्ट के लिए सेफ होते हैं, तो आपको अपना मेजॉरिटी फैट इन्हीं से लेना है। वो सारा तेल या फिर ऑयल जो आपके रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में है वो इसके अंदर आता है। इसमें हमारे ऑलमोस्ट सारे वेजिटेबल्स ऑयल आ जाते हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सैफ्लावर ऑयल, कैनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सब कुछ इसके अंदर आता है। ज़्यादा सोडियम खाने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है और आपको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। तो आपको कितना सोडियम खाना है, आपको रोज 2 ग्राम से कम सोडियम खाना है। अब ये सोडियम हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, तो सबसे पहले सोडियम आपको नमक से मिलता है। सोडियम क्लोराइड होता है नमक, जिसमें लगभग 40% सोडियम होता है। तो अगर आप सोडियम क्लोराइड की बात करें तो आप लगभग 6 ग्राम नमक या सोडियम क्लोराइड डेली सेफली खा सकते हैं। तो अपनी डाइट में आप थोड़ा सा नमक को कम कर लें। और सोडियम आपको बहुत सारे पैकेज फूड में मिलता है। आप कोई भी खाना या पैकेज फूड खरीदते हो तो उसके पीछे देखो कि आपको कितना सोडियम मिल रहा है, क्योंकि 2 ग्राम तक सेफ है। अगर आपने एक कोई पैकेज फूड खरीदा और उसमें आपको 1500-1600 मिलीग्राम सोडियम मिल गया तो आपकी तो दिन की रिक्वायरमेंट ही पूरी हो गई। फिर आपने अपने खाने में खाया ऐसे करके, तो आप रोज एक्सेसिव सोडियम खा लोगे। और भी सोडियम बहुत सारी चीज़ों में मिलता है, जैसे MSG मोनो सोडियम ग्लूटामेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, जो हमारा सोडा होता है, खाने का सोडा, उसमें भी सोडियम होता है। बहुत सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं जैसे सोडियम नाइट्रेट, इनमें भी सोडियम का कंटेंट हाई होता है। प्रोसेस्ड मीट में सोडियम का कंटेंट, सॉल्ट का कंटेंट बहुत हाई होता है, तो ये और ज़्यादा रिस्क ऐड करता है आपको हार्ट डिसीज का। इसके अलावा प्रोसेस्ड मीट में सैचुरेटेड फैट का कंटेंट भी ज़्यादा होता है, इसलिए भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आपको जब खाना नमकीन लगे तभी उसमें सोडियम है। पैकेज फूड या फिर बेक्ड फूड में कई बार सोडियम कंटेंट बहुत हाई होता है, और लेकिन उनका खाना नमकीन नहीं होता। तो आप, अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो आप प्लीज़ कोई भी खाना खाने से पहले ज़रूर चेक करें कि इसमें सोडियम कितना है, स्पेशली बाहर का पैकेज फूड। आप घर में तो सिंपल नमक से ही मोस्टली सोडियम लेते हो, तो उसको आप थोड़ा सा लिमिट कर लो। हम पिंक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट को भी थोड़ा सा जानते हैं। पिंक सॉल्ट जो हिमालयन सॉल्ट करके आपको मार्केट में मिलता है, ये पिंक सॉल्ट और वाइट नमक जो आप खाते हो दोनों ही सोडियम क्लोराइड है, दोनों में लगभग सेम अमाउंट ऑफ सोडियम होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप पिंक सॉल्ट खाओगे तो आप ज्यादा नमक खा सकते हैं और आपको बीपी में कोई बेनिफिट होगा। मेडिकल स्टडी में ऐसा कुछ भी प्रूवन नहीं है, क्योंकि दोनों में लगभग सेम सोडियम है।
पिंक सॉल्ट में क्या होता है, पिंक सॉल्ट एक तो प्रोसेस नहीं होता, दूसरा उसमें थोड़े से मिनरल्स होते हैं, जैसे उससे आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन ये सब मिल जाएगा, लेकिन ये इतने ट्रेस में होते हैं कि इसका आपके शरीर में कोई एज सच इम्पॉर्टेंस या कोई भी कोई पॉजिटिव फंक्शन नहीं है। तो आप सफ़ेद नमक खाओ या पिंक नमक खाओ, कोई डिफरेंस नहीं होता। आप जो भी नमक खाओ उसमें आयोडीन होना चाहिए, ये बात इम्पॉर्टेंट है। फ्री शुगर खाने से डायबिटीज का खतरा बढ़ता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है, ये प्रूवन है, ये बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कुछ भी इधर उधर नहीं है। और सिर्फ फ्री शुगर ही नहीं, अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करते हो तो उससे भी डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा, डायबिटीज उससे भी होती है और डायबिटीज इससे भी होती है। अगर आप फ्री शुगर खाते हो तो रिकमेंडेशन ये कहती है कि आपको अपनी पूरी दिन भर की कैलरी का less than 10% फ्री शुगर से लेना है। तो अगर हम 2000 किलो कैलरी लेते हैं तो 200 किलो कैलरी से ज्यादा आपको फ्री शुगर से नहीं लेनी है, तो लगभग 50 ग्राम शुगर आएगी, क्योंकि 1 ग्राम शुगर से 4 किलो कैलरी मिलती है। 50 ग्राम यानी आप 5 चम्मच चीनी मान लो, तो आपको 5 चम्मच चीनी से ज्यादा दिन भर में नहीं खानी है। और आपको ये जो भी आर्टिफिशियल स्वीटनर है अवॉइड करने हैं, क्योंकि इनका कोई एडेड बेनिफिट नहीं है, ये डायबिटीज का भी खतरा बढ़ा रहे हैं और ये साथ में आपको हार्ट डिजीज का भी खतरा बढ़ा रहे हैं। तो जो भी मार्केट में आपको डाइट के नाम से मिलता है या फिर कैलरी फ्री के नाम से मिलता है, ये सब कुछ आप प्लीज अवॉइड कर दें, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। रिफाइंड ग्रेन, जैसे ही आपने अनाज को बहुत पतला पीस दिया और उसमें से वो पूरी भूसी जिसे हम ब्रैन कहते हैं वो निकाल दिया, तो अब ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया। कैसे प्रॉब्लमेटिक हो गया? सबसे पहले तो उसे बहुत रिफाइन करने से आप उसका विटामिन बी लॉस कर देते हो, तो विटामिन बी की कमी होने लगती है और विटामिन बी की कमी से भी हार्ट अटैक और स्ट्रोक होता है। फिर आप उसमें से पूरा फाइबर लॉस कर देते हो, फाइबर मैंने अभी बताया कि हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। उसके बाद बहुत रिफाइन हो जाने की वजह से ये हमारे ब्लड में तुरंत शुगर का स्पाइक करता है और फिर ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। तो हमें जितना पॉसिबल हो होल ग्रेन खाना है, पूरा का पूरा अनाज खाना है। आप दालें भी होल खाओ, आप कॉर्न खा लो, बार्ले खा लो, वीट खा लो, अगर आप गेहूं पीस के खाते हो तो आप कोशिश करो कि इसमें ब्रैन हो। ब्रैन मतलब कि वो जो चोकर या भूसी निकलती है वो होनी चाहिए, वो भूसी ही हमारे लिए हेल्पफुल है। जब हम होल ग्रेन खाते हैं या फिर हम कम पीसा हुआ दुरदुरा अनाज खाते हैं तो उसमें हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वो हमारे पेट में ज्यादा देर तक रहते हैं, वो धीरे धीरे शुगर रिलीज करते हैं, तो आपका पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है, आपको भूख नहीं लगती और धीरे धीरे शुगर रिलीज होने की वजह से आपको सडन शुगर स्पाइक नहीं होता, तो आपको डायबिटीज का खतरा भी कम होता है। ज्यादा फिलिंग रहने से आप ओवर ईट नहीं करते, तो आपका वजन नहीं बढ़ता। जितना पॉसिबल हो होल ग्रेन खाएं, जितना पॉसिबल हो पूरे फ्रूट्स खाएं, किसी भी चीज को रिफाइन करना उसका जूस निकालना हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। अगर आप अपनी डाइट का मेजॉरिटी ऑफ कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से नहीं लेते, मतलब कि अगर आप अपनी डाइट की 50-60% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से नहीं लेते हो तो ये आपके लिए खतरनाक डाइट है। कैसे? अगर आप बहुत एक्सेसिव एनिमल बेस्ड डाइट खाते हो, मतलब आप एनिमल प्रोटीन और एनिमल फैट खाते हो, हाई प्रोटीन और फैट डाइट, तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक है। ये फिर से आपको हार्ट डिसीज के, स्ट्रोक के और बहुत सारी बीमारियों के खतरे में लेकर जाती है। तो इम्पॉर्टेंट है कि हमें बैलेंस डाइट खानी है। हमारी डाइट का 50-60% कैलोरी हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से लेनी है, फ्री या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से नहीं। 20-30% एनर्जी आपको फैट से लेनी है और रिमेनिंग 20-30% एनर्जी आपको प्रोटीन से लेनी है, और इसको इसी रेशियो में हमें मेंटेन करना है, तभी ये डाइट आपके लिए हेल्पफुल होगी। और इस डाइट में आपको जितना पॉसिबल हो उतना होल ग्रेन, होल फ्रूट, नट्स, दालें ये इंक्लूड करना है। अवॉइड करना है हमें एक्सेसिव सैचुरेटेड फैट, कम्प्लीटली ट्रांस फैट अवॉइड करें, रिफाइंड शुगर को कम्प्लीटली अवॉइड करें, रिफाइंड ग्रेन्स को कम्प्लीटली अवॉइड करें, पॉसिबल हो तो रेड और प्रोसेस मीट को भी कम्प्लीटली अवॉइड करें। वीडियो के एंड में मैं आपको एक बड़ी हेल्थ स्टडी की बात बताती हूँ। ये US में की गई थी, जिसमें लगभग 130,000 मेडिकल प्रोफेशनल को इंक्लूड किया गया था और इनको इनकी लाइफ में अगले 30 सालों तक फॉलो किया गया था। 1980 से ये स्टडी शुरू हुई थी और 2012 तक इन सारे लोगों को फॉलो किया गया था। इन्हें दो ग्रुप में उन्होंने डिवाइड किया, एक वो लोग जो नॉनवेज खाते थे और एक वो लोग जो वेज खाते थे, और वेज और नॉनवेज डाइट को उन्होंने डिसाइड कर रखा था। तो फॉलोअप स्टडी में ये देखा गया कि वेज खाने वाले लोगों में मृत्यु की दर या फिर डेथ रेट सबसे कम थी,
जो लोग अपनी डाइट में फिश और पोल्ट्री ऐड करते थे उनमें मरने की दर 6% से ज्यादा थी। जो लोग हाई फैट वाला मिल्क प्रोडक्ट इंक्लूड करते थे उनमें 8% से ज्यादा थी। जो एग इंक्लूड करते थे उनमें 18% से ज्यादा थी। और जो लोग प्रोसेस रेड मीट यूज करते थे उनमें ये मरने की दर लगभग 34% से ज्यादा थी। आगे स्टडी में ये देखा कि अगर आप अपनी डाइट की 3% एनर्जी भी एनिमल से प्लांट प्रोटीन की तरफ शिफ्ट करते थे तो मरने की दर 10% से कम हो जाती थी। और ये सिर्फ एक स्टडी नहीं है, ऐसी बहुत सारी स्टडीज हैं, लार्ज स्केल स्टडीज हैं, जिसमें वेज डाइट को कंसिस्टेंटली नॉनवेज डाइट से सुपीरियर पाया गया है, बेनिफिशियल पाया गया और हेल्दी पाया गया है। ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको शेयर करी, ये कहाँ से आई है, इसके क्या एविडेंसेस हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के साथ शेयर करूंगी। तो आपको समय मिलता है तो आप इसको प्लीज पढ़ो, क्रॉस चेक करो और समझो और अपनी डाइट में और अपनी डेली लाइफ में इन सबको इंक्लूड करो। अब इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और 20 मिनट वॉक कंटिन्यू रखें।